बात करते हैं मुंबई की, जहां परिवहन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद मुंबई मेट्रो लाइन 3 का उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। ये भूमिगत मेट्रो न केवल तकनीक का एक अनूठा नमूना है, बल्कि मुंबई के विकास की एक नई पहचान भी है। आइए आपको इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट की एक झलक दिखाते हैं। मुंबई करों का अब बीकेसी से आरे तक का सफर होगा आसान। बीकेसी से लेकर जेवीएलआर तक मेट्रो 3 का पहला भाग जल्द शुरू होने वाला है। सबसे बड़ी खासियत इस मेट्रो की ये है कि ये मेट्रो पूरे तरीके से अंडरग्राउंड यानी एक्वा मेट्रो है, जो पानी और ज़मीन के नीचे स्थित होगी और लोगों को अब ट्रांसपोर्ट की दुनिया में एक नई राह मिलने जा रही है। और ऐसे में इस पूरे मेट्रो का पहला भाग जो है वो अब शुरू किया जाने वाला है। ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पर अब पूरी तैयारी और फिनिशिंग वर्क जो है वो किया जा चुका है, जिसमें टिकट ऑफिस से लेकर मेटल डिटेक्टर्स और साथ ही टिकट काउंटर्स को जो है वो तैयार कर लिया गया है। और यदि आप यहाँ पर देखें तो एक्वा लाइन का ये पूरा मेट्रो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा और राहत के तौर पर होगी, जहाँ पर अक्सर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एक ऐसा प्रमुख इलाका बांद्रा ईस्ट का, जहाँ पर अक्सर लाखों की तादाद में लोग रोज़ काम करने आते हैं। और मेट्रो की इस लाइन को शुरू होने से जो सबर्ब्स का प्रमुख ट्रैफिक है वो पूरे तरीके से कट हो जाएगा। 10 खास स्टेशन और 12 किलोमीटर की दूरी, यह मेट्रो लाइन मुंबई की पहली अंडरग्राउंड है, जो उपनगरों को शहर के खास इलाकों से जोड़ेगी। उम्मीद है कि इस लाइन से 17 लाख लोग रोज सफर करेंगे। इससे सड़कों पर 6.5 लाख गाड़ियों का भार भी कम होगा। फ्रॉम एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर। इसका रीज़न ये है कि इसके ऊपर जैसे ट्रेन शुरू हो जाएगी, फुल्ली ये कॉरिडोर सेटअप होगा, तो 13 लाख लोग रोज इस पे ट्रैवल कर सकते हैं। और हमें एक्सपेक्टेशन है कि 15% ऑफ दिस कम्यूटर्स वुड कम फ्रॉम सबर्बन रेल सिस्टम, बट ऑल अदर कम्यूटर्स वुड कम फ्रॉम द रोड, जो आज दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट में रोड की ट्रैफिक कम करने की बहुत ज़्यादा क्षमता है। पूरी तरीके से जब ऑपरेट हो जाएगी और पूरे कैपेसिटी अचीव करेगी, तब 6.5 लाख जो वाहन फेरी हम जिसको बोलते हैं व्हीकल ट्रिप्स, वो कम हो जाएगी और उसी हिसाब से उसका फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। अब आपको लिए चलते हैं मुंबई मेट्रो 3 के उस लाइन में, जो आपके सफर को आरामदायी बनाने वाला है। और इसी के साथ आपको उस ट्रेन में बिठाकर दिखाते हैं कि आखिर मुंबई में पूरे तरीके से अंडरग्राउंड रहने वाला ये मेट्रो क्यों सबसे ज्यादा खास बन जाता है। यहाँ पर जैसे ही आप नीचे इस अंडरग्राउंड मेट्रो में आएंगे, आपके सामने ये मैप लगा है, जो आपके उस पूरे सफर को जो है मैप के जरिए, उस डायरेक्शन के जरिए बताएगा। इस ट्रेन की खासियत कई सारे हैं, जिसमें से अगर आपको बताएं तो जो पूरा इसका सिस्टम है, सिग्नलिंग सिस्टम, वो CBTC यानी कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम पर आधारित है। और साथ ही सिंक्रोनाइज्ड प्लेटफॉर्म्स रखे गए हैं, ऑटोमेटिक टिकट कलेक्शन सिस्टम भी रखा गया है, ताकि किसी भी मैनुअल प्रोसेसिंग में लोगों को दिक्कत ना हो। और जो कोई भी यदि यहाँ पे यात्रा करना चाह रहा है, तो अन्य दो मेट्रो लाइन के सरा हट के, यानी इस पूरे मेट्रो लाइन में जो है ऑटोमेटिक टिकट कलेक्शन सिस्टम की सुविधा जो है वो रखी गई है। और ऐसे में साल 2018 से लेकर अब तक की जो ये पूरी मेहनत है मुंबई करों को, अब इसका फल मिलने वाला है। और साथ ही महाराष्ट्र और साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से 50-50 के रेशियो में इस पूरे मेट्रो को तैयार किया गया है। देखना ये होगा कि मुंबई करों के रोज़ाना लाखों की तादाद में जो ट्रैफिक बढ़ती है वो कितना ज़्यादा और कम होगा। 38,000 करोड़ की लागत से तैयार ये मेट्रो मुंबई वालों के सफर को तेज और सुविधाजनक बनाएगी, साथ ही एयरपोर्ट को जोड़ने में भी मदद करेगी। यदि बात करें इस मेट्रो लाइन के स्टेशंस की, तो जो दोनों भाग हैं उनको मिलाकर 27 मेट्रो स्टेशंस बनाए गए हैं, जिसमें से 10 मेट्रो स्टेशंस अब शुरू हो जाएंगे, जिसमें शामिल जो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा कॉलोनी,
सांता क्रूज मेट्रो और सबसे ज़्यादा अहम मुंबई के दो एयरपोर्ट्स यानी मुंबई के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी ये इन पूरे मेट्रो स्टेशन में दो स्टॉप्स बनाए गए हैं। और हम इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक एयरपोर्ट यानी T1 पर पहुँच चुके हैं और जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा, चाहे व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन से आ रहा हो, चाहे मुंबई के गोरेगांव इलाके से उसे एयरपोर्ट आना हो या फिर उसे बांद्रा से एयरपोर्ट की तरफ आना हो, महज कुछ मिनटों की दूरी में यानी लगभग 3 से 4 मिनट में यदि आप बांद्रा से एयरपोर्ट आना चाहे तो वो आ सकते हैं इस अंडरग्राउंड एक्वेटिक मेट्रो के मदद से, जो मुंबईकरों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। क्योंकि अक्सर जब भी लोग एयरपोर्ट के लिए यानी कहीं पर ट्रैवल करने के लिए निकलते हैं तो उन्हें तकरीबन 1 से 1.5 घंटे महज वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ट्रैफिक पर लग जाता है, लेकिन इस मेट्रो लाइन के मदद से लोग जो है वो चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना हो या डोमेस्टिक एयरपोर्ट जाना हो, वो आराम से आरामदायी सफ़र से एसी कंडीशनड इस मेट्रो लाइन में बैठकर एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। ये मेट्रो आगे चलकर बिना ड्राइवर के चलेगी और बाकी दो मेट्रो लाइन से अलग बताई जा रही है। ये मेट्रो लाइन 3 ये अकेला लाइन है जो साउथ बॉम्बे में कपरेड तक जा रहा है। इसके साथ में हम ये ट्रेन ये लाइन को चर्चगेट स्टेशन और CSMT स्टेशन और मुंबई सेंट्रल टर्मिनल, ये तीनों टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया है। तीनों टर्मिनल में वॉकिंग डिस्टेंस में सबर्बन टर्मिनल से और इंटरचेंज फैसिलिटीज अवेलेबल होंगे। इसके अलावा हम लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेट्रो लाइन्स को भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, BKC में, मरोल नाका में एंड मोनोरेल को भी कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारे ऑलरेडी सबर्बन सिस्टम में ट्रैवल करने वाले और ये जो मेट्रो में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइन में ट्रैवल करने वाले सबको ये सुविधाजनक होगा उनके फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए। क्योंकि कोई भी लाइन हर एक की ट्रैवल रिक्वायरमेंट एक जर्नी में पूरा नहीं होता, लोगों को 2-3 मोड्स चेंज करके आना पड़ता है और वो चेंज करके लास्ट डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए ये लाइन 3 स्पेशली आइलैंड सिटी में जाने के लिए दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सूटेड एंड कन्वीनिएंट लाइन। इस मेट्रो की कई खासियत है। ये पहली पूरी अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन है जिसकी लंबाई 33.5 किलोमीटर है। ये ट्रेन 3 से 4 मिनट पर उपलब्ध होगी। इसे बनाने के दौरान 15,000 लोगों को नौकरियां मिली और संचालन से जुड़ी 2,000 नौकरियां होंगी। यह नरीमन पॉइंट, BKC और सीप्स जैसे 6 प्रमुख व्यापारिक केंद्रों से जुड़ती है। मुंबई के इस नई मेट्रो लाइन के दोनों स्टेशन पर हमने आपको बताया कि कैसे BKC से लेकर RAJVL तक का सफर जो महज यदि आप रास्ते से चलें तो 1 से 1.5 घंटा, लेकिन इस मेट्रो की मदद से महज 10 मिनटों में आप BKC से JVLR RA तक आ सकते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ा वरदान। और साथ ही अक्टूबर में शुरू होने वाला इस पूरे मेट्रो लाइन का पहला फेज जो है वो लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा, ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। जो पहला फेज है उसमें 10 स्टेशन को शुरू किया जाने वाला है जो मुंबई के BKC से लेकर आरए कॉलोनी तक ऑपरेशनल होगा। जो बाकी के स्टेशन हैं वो बताया जा रहा है कि 2025 तक शुरू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुंबई की उन्नति में एक और जो है रोल साझा कर रही है ये मेट्रो लाइन, जिसका सफर कर हमने आपको बताया कि किस प्रकार ये पूरे सफर के चलते चाहे वो एयरपोर्ट कनेक्ट करना हो या फिर चाहे वो आरए गोरेगांव तक आना हो या वो BKC का वो इलाके तक पहुंचना हो जहां पर रोजाना लाखों की तादाद में लोग कॉरपोरेट लाइफ जो है वो जीने के लिए जाते हैं। और ऐसे में इस पूरे मेट्रो लाइन के चलते जो अहम प्रमुख पॉइंट्स हैं मुंबई के वो कनेक्ट हो रही हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या दूसरी दो मेट्रो लाइनें हो, मुंबई को के लिए एक और बड़ा वरदान ये मेट्रो लाइन 3 साबित होगी। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।